सो वेल है गाइस, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अनुपम के पेपर को और हम इसके बताएंगे प्रोज और कॉन्स। तो जो अनुपम का पेपर है उसमें हमको मिलते हैं 20 पैक ऑफ लूजेस सीट्स। इसमें 20 सीट्स आती हैं हमें A4 साइज़ की 140 GSM में, और इसमें लिखा है ऑप्टिमिजिकल टेक्सचर है और पेन स्केचिंग के लिए है, पेन पेंसिल और ये सब चल सकते हैं इस पर, और हैवी वेट कुछ लिखा है इस पर, और ये 50 rupees की MRP दे रखी है। मुझे 40 rupees में पड़ी है, यानी 2 rupees की एक सीट पड़ जाती है, जो काफ़ी चीप है और अच्छी भी। अगर ये अच्छी हुई तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये कार्ट्रिज सीट है और ये अनुपम ब्रांड के, जो कि एक इंडियन ब्रांड है। ये अच्छी बात है, इंडियन ब्रांड है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये अच्छे प्रोडक्ट बनाते होंगे तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ, तो देखें इसका टेक्सचर। ये थोड़ा रफ सा ही है, स्मूथ नहीं है, तो रफ ही टेक्सचर है। और ये पेपर भी ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला है, यानी इसमें लेयरिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या क्या हुआ। अब इस पर हम एक ड्राइंग बनाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तो गाइज अब बात करें इस पेपर के प्रोज और कॉन्स के बारे में, इसकी खूबी और खामियों के बारे में। तो इसमें मेरे से गलती हुई थी कि मैंने इस पे कलर पेंसिल यूज़ करी, ये कार्ट्रिज सीट थी तो उसे ब्लेंड करने में मुझे दिक्कत आई, उसमें थोड़ा रफ़ रफ़ सा लुक आया। अगर आपको कलर पेंसिल में वर्क करना है और आपको रफ़ टेक्सचर चाहिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया। हाँ, इसका टेक्सचर काफ़ी कंसिस्टेंट था और अच्छा भी था। पेपर वैसे तो अच्छा ही है, आप ले सकते हैं। अगर पेंसिल स्केचिंग करते हैं आप रियलिस्टिक, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये पेपर। ये वर्थ इट है मेरी तरफ से, माने तो आपको ले लेना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए ज़रूर। ओके, बाय।